ये लेटर जो है इंदिरा गांधी ने उनकी तारीफ करते हुए, और मिर्जा गालिब के ही दोस्तों ये कुछ कपड़े हैं, जैसे कि ये टोपी हो गई और ये कुर्ता हो गया। कोई वीरानी सी वीरानी है, दस को देखकर घर याद आया। पूछते हैं कि बतलाओ तुम गालिब कौन है, तुम बतलाओगे या बतलाए हम। कुछ ऐसे ही शेर जो दिल को छूने वाले शेर आज भी मशहूर है इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिर्जा गालिब की, और आज मैं आ चुका हूँ मिर्जा गालिब के म्यूजियम के पास में, जहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल, इसी यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजारे। ये आप देख सकते हो उनका स्टैचू है, उन्हीं की याद में उनको बनाया गया है। और मैं आपको बताऊंगा मिर्जा गालिब उनकी जो बेगम थी उनसे उनका कैसा रिश्ता रहा, उनकी शायरी उनको पसंद क्यों नहीं आती थी, और उनके जो बच्चे थे वो आखिर जीवित क्यों नहीं रहे। मतलब कहा यह जाता है कि उनके साथ बच्चे थे लेकिन बदकिस्मत से उनका एक भी जो बच्चा है वो जिंदा नहीं रहा। तो दोस्तों बात करते हैं मिर्जा गालिब की, मैं आ चुका हूँ मिर्जा गालिब के म्यूजियम के पास में। जी हाँ दोस्तों, ये जो म्यूजियम है दिल्ली की चांदनी चौक में बना हुआ है, और यहाँ पर उनसे जुड़े बहुत से इतिहास और उनकी लिखी हुई किताबें, जैसे कि फारसी उर्दू उनसे लिखी हुई किताबें और उनसे लिखे हुए शेर काफी पुराने वक्त से यहाँ पे रखे हुए हैं। ये इनकी कुछ तस्वीरें हैं, और कहा यह भी जाता है दोस्तों मिर्जा गालिब को जो घूमने का बहुत शौक था अपनी जिंदगी में, वो रामपुर भी गए। कहा यह जाता है रामपुर वो दो बार गए अपनी जिंदगी में, और कहा यह जाता है दोस्तों मिर्जा गालिब के जो 200 शागिर्द थे, जो 200 चेले थे, वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में फैल गए और उनकी शायरी को एक अलग ही मुकाम पर लेके गए, जिनको पढ़ पढ़ के बॉलीवुड की ऐसी ऐसी फिल्में बनाई गई जिन्होंने आज की तैयार में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा मिर्जा गालिब के जुड़े कुछ किताबें और उनसे जुड़े कुछ गेम्स जो अपने आखिरी वक्त में वो गेम खेला करते थे। तो आइए चलते हैं दोस्तों उनकी जिंदगी की आखिरी चीजों के पास में, आइए। ये ना थी किस्मत हमारी ये भी याद होता, अगर जीते हम तो जीते कैसे यार होता। यही शेर है दोस्तों मिर्जा गालिब के कुछ ऐसे शेर हैं। तो दोस्तों ये उनकी लिखी हुई किताबें हैं, आप देख सकते हैं कितनी मोटी उनको लिखी हुई, जो कि फारसी भाषा में आज भी है, ठीक है। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, मिर्जा गालिब अपनी शायरी लिखते लिखते इतने मशहूर हो चुके थे, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब पाकिस्तान के अंदर जो है उनके नाम के नोट चला करते थे, मतलब कि उनकी हैसियत इतनी ऊंची हो गई थी कि उनके नाम से ही करेंसी चला करती थी पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों कहा यह भी जाता है कि मिर्जा गालिब उनके बहादुर शाह जफर उनके जो दरबार लगता था उन्हीं के दरबार में से आते थे बहादुर शाह जफर भी, उनकी शायरी उनको काफ़ी पसंद थी, वो अपने दरबार में उन्हीं से शायरी सुनाया करते थे जब उनका कुछ मूड अच्छा हुआ करता था इसलिए, ठीक है। और दोस्तों मिर्जा गालिब की शायरी बहुत अच्छी थी, ये बात तो अच्छी है, लेकिन कुछ फॉल्ट भी थे, मतलब कुछ खराब भी थी उनसे, जैसे कि वो शराब का सेवन काफ़ी करते थे, ठीक है, जिस वजह से उनकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी बिगड़ गई थी उनके आखिरी वक्त में। दोस्तों मिर्जा गालिब के ज़माने में आखिरी बची हुई किताबें और इनसे जुड़ी हुई आखिरी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये लेटर जो है इंदिरा गांधी ने उनकी तारीफ करते हुए उनकी याद में लिया गया था, और जैसे कि ये करेंसी जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही करेंसी मिर्जा गालिब के फोटो की छपी हुई पाकिस्तान के अंदर यूज़ की जाती थी, और उसके बारे ये डाक टिकट देख सकते हैं, मतलब कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो मिर्जा गालिब की याद को तरोताज़ा करते हैं, इसीलिए इनका ये म्यूज़ियम जो है बनाया गया है। और मैं आपको बताता हूँ उनसे जुड़े गेम्स है, वो अपने आखिरी वक्त में कैसे कैसे गेम्स खेला करते थे, जैसे कि ये देख सकते हैं शतरंज बोलते हैं इसे, ठीक है, ये कुछ गेम्स हो गए। और उनसे जुड़ी हुई जैसे कि ये कुछ किताबें हुई उनके हाथ की लिखी हुई, और एक गेम ये है जिसको चौकोर बोला जाता है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे गेम्स हैं। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों मिर्जा गालिब और उनकी जो बीवी थी उनके कपड़े आज भी इस म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि उनके कपड़े जो कि उस जमाने में कैसे फैशन हुआ करता था, कैसे फैशन स्टाइल था, मैं आपको अब उनके कपड़े की तरफ देखता हूँ।
इस म्यूजियम का दोस्तों रेनोवेशन करने से पहले यहाँ पे जो मिर्जा गालिब के जो म्यूजियम है यहाँ पे पहले एक कारखाना हुआ करता था, लेकिन सन 2010 में शीला दीक्षित जो जो दिल्ली की सीएम रही थी, ठीक है, उन्होंने यहाँ का जो रेनोवेशन काफ़ी कंप्लीट कराया और यहीं पर ही उनका एक स्टैचू रखवाया, ठीक है। और उनसे जुड़े मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी जो बीवी थी ये उनके कपड़े हैं कुछ, जिनका नाम था उमराव बेगम। दोस्तों कहा यह था उमराव बेगम को उनकी शायरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, हो सकता है दुनिया को तो पसंद थी लेकिन उमराव बेगम की उनकी शायरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन कभी भी उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की ऐसी कोई बुराई नहीं करी कि मुझे तुम्हारी कोई शायरी पसंद नहीं है, ठीक है। और मिर्ज़ा गालिब के ही दोस्तों ये कुछ कपड़े हैं, जैसे कि ये टोपी हो गई और ये कुर्ता हो गया, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये मिर्ज़ा गालिब की कुछ कहानी है, ये उनके से जुड़ा म्यूजियम है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल यहीं पर ही बिताए। और दोस्तों उनकी जो कब्र है, मिर्ज़ा गालिब की कब्र हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उन्हीं के आसपास उनका जो मकबरा है बनाया गया है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी, मिर्ज़ा गालिब से जुड़ी जो इतिहास है, कुछ शायरी है वो मैंने आपको बताई और उनसे जुड़ा इतिहास मैंने आपको बताया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रूम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।